मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, फिर दूसरी 10 साल छोटी थी, तीसरी 15 साल छोटी थी, चौथी 20 साल छोटी है। रोमांटिक है लेकिन उनके जुनून इतना नहीं है कि बस पागल ही हो जाओ। मुझे याद नहीं, शादी तो याद है आपको, शादी की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैजुअल टॉक शो में खुश आमदीद, और मैं आपका होस्ट मुख्तार अहमद इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। टिकटॉक वीडियोस पे वायरल होने के बाद सेलिब्रिटी बनना हर शख्स की एक ख्वाहिश बन गई, तो आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, आमिर खान साहब मौजूद हैं और उनकी वाइफ राबिया आमिर मौजूद हैं। आमिर खान साहब को लाहौर में ज़्यादातर लोग कह रहे होते हैं तकी साहब भी कहते हैं, कुछ लोग तकी लाहौरी भी कह रहे होते हैं। तो बड़े नाम से वायरल वीडियोज़ हो रही हैं और सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं। आपकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें ग्रीन कलर का शरारा आपने जो है उसमें मलबूज हैं और आप जो है वो आ रही हैं एक रानियों की तरह जो है कैटवॉक करती भी आ रही है, साथ में शहजादा सलीम मौजूद हैं, तो ये क्या केमिस्ट्री थी, क्या सिलसिला था ये? वो ईद का मौका था और मेरे घर में पार्टी थी, हमारी अपनी फैमिली के सब बहन भाई जो इकट्ठे हुए थे, तो अपने घर में मुझे अच्छा लगता है कि मैं तैयार हूँ, अच्छे ड्रेसिंग करूँ, और वो कोई शादी का ड्रेस नहीं था। मैं नॉर्मली जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो मैं अपनी मर्जी के जो कपड़े वो खुद से डिज़ाइन कर, नहीं नहीं वो मेरे अपने ब्रांड का था, राबिया आमिर ब्रांड का था। शादी से पहले या प्रपोज करने से पहले कहीं मुलाकात हुई थी इससे पहले? नहीं, वो मेरे फादर का स्कूल था तो ये उनके बेटे हैं, और मेरे फादर इन लॉ का स्कूल है तो ये उनके बेटे थे, ये विजिट करने के लिए उन्हें आए थे अपने फादर को, तो मेरी इनसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी। बताइए स्कूल वाली मोहब्बत चल रही है? स्कूल वाली मोहब्बत एज सच कि मैं वहाँ टीच कर रहा था, एक क्लास ही पढ़ रही थी, तो वो एक माह की अंडरस्टैंडिंग इस तरह हुई, ये क्लास ले रही थी, बस उस अंडरस्टैंडिंग में ऑब्वियसली वी गॉट क्लोजर। चार शादियाँ मेरे की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस वो लेकिन ये है कि वो शादियाँ सारी बेस्ड ऑन नीड ही थी, पहली शादी की नहीं बन सका, दूसरी की नहीं बन सकी, तो सिमिलरली थर्ड भी नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ वन वर्कड आउट गुड। आपको ऐसी कौन सी आदत उनकी अच्छी लगी जिसको देख के आपने उनको प्रपोज किया? जी बिल्कुल, क्योंकि पहले मैं 3 औरतें देख चुका था तो ऑब्वियसली वो एक हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी जो है वो थोड़ा कम बोले और थोड़ा पेशेंस ज़्यादा करे, तो वो दोनों खूबियाँ में थी, तो आई थॉट कि शी इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी अ वाइफ, क्योंकि बोलती भी कम थी और सबर भी काफ़ी ज़्यादा था बेसिकली कुछ इवेंट्स पर, तो ऑब्वियसली हाँ हम बोलती काम है, तो जो कि बड़ा एक नायाब किस्म का कॉम्बिनेशन है स्पेशली फीमेल्स अनफॉर्चुनेटली। जितनी आपको व्यूअर्स में खवातीन देख रही हैं तो इनके लिए मैसेज भी जा रहा है, सबर वाली और कम बोलने वाली, कम बोलने वाली जो खवातीन है उनको जो है वो प्रपोज कर लेते हैं लोग जल्दी। और मैं ये कहना चाहूँगी देखिए ना, सबर का फल इतना अच्छा होता है। क्या बात है, सबर का फल बहुत मीठा होता है, कितने मीठे हैं ये, बहुत मीठे। चौथी शादी और आपकी पहली शादी, तो कितना चैलेंजिंग था ये फैक्टर? कुछ चैलेंज नहीं था, कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैं शादी के लिए मान गई। प्रपोज कैसे किया था? वेरी नॉर्मल स्टफ, कोई फिल्मी अंदाज नहीं था, बस मैंने बोला कि भाई आप मुझे अच्छे लग रहे हो, ऐसे नहीं वो रेड रोजेस लेके गए और जी वो कदमों में बैठ गए और बोला जी। नहीं, वो ऐसा रोमांटिक कीड़ा नहीं है, और ये बेगों को बड़ी शिकायत रहती है मेरे पे, ये फूल भी मुझसे लड़की लेती हैं कि मुझे फूल ला के दें, मतलब ये तो उसके लिए भी नहीं रोमांटिक तो है लेकिन के जुनून इतना नहीं है कि बस पागल ही हो जाओ। शादी किस सन में हुई? 20 साल का फर्क। आप अगर हमारे वीडियो देखें तो उसमें आपको फील होगा कि ये मुझसे इतने बड़े हैं, अगर आप कोई 20 साल की लड़की या 25 साल का लड़का आप देख लें तो उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमारी लाइफ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों में प्यार भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तो एज डिफरेंस इज नॉट अ कंसर्न, ये हम मुसलमानों के लिए नहीं है लेकिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, फिर दूसरी 10 साल छोटी थी, तीसरी 15 साल छोटी थी, चौथी 20 साल छोटी हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत बड़ा कोई एज डिफरेंस है हमारे दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की दिन ब दिन तरक्की, क्योंकि मेरी एज तो बढ़ रही थी ना, बेगम की एज वही रहे जो शादी की होती है लड़की की एज। वाइफ की ऑब्वियसली हर ख्वाहिश पूरी करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हैप्पी वाइफ मेक्स हैप्पी लाइफ, तो अगर आपका पार्टनर हैप्पी है आपसे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, तो ऑब्वियसली जो ख्वाहिशात पूरी कर सकता है बंदा
उसे ज़रूर पूरी करनी चाहिए। चार माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, आगे कोई सिलसिला? ये तो अल्लाह को पता है सिर्फ कि आगे सिलसिला है कि नहीं है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फील लाइक योर फैमिली इज़ कम्प्लीट।